कि मुझे कल हमने जाना था चैप्टर के बारे में जिसमें स्टोमेटा, फोटोसिंथेसिस, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये सारी चीज़ें हमने पढ़ने को मिली। अब आगे हम देखते हैं कि जो दूसरा जो मोड है हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें क्या क्या है। देखिए हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। इसमें क्या होता है, ये ऐसी ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो अपना फूड खुद नहीं बनाती हैं लेकिन अपना फूड डराइव करने के लिए दूसरी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब ड्राइव कैसे करते हैं वो अपना फूड, देखिए द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इट कॉल्ड द होस्ट। आपने एक एग्जांपल सुना होगा कस्क्यूटा या फिर अमरबेल, ये क्या करती है, ये एक प्लांट के ऊपर ग्रो करती है और वहाँ से सक्शन प्रोसेस के थ्रू अपना न्यूट्रिशन ले रही होती है। ठीक है, और न्यूट्रिशन लेती है अब जिस प्लांट के ऊपर ये ग्रो करती है उसको होस्ट प्लांट बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कस्कूटा पीपल के पेड़ के ऊपर आ रही है तो पीपल का पेड़ क्या हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इट कॉल्ड द होस्ट। अब ये जो प्लांट होते हैं ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इनको अपना फूड इस प्रकार से लेना होता है। ठीक है, और जब किसी दूसरे प्लांट से हम फूड लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो कस्कूटा एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ये देखिए मेन प्लांट ग्रीन कलर का, उस पर येलो 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 एक प्लांट आया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, अमरबेल। आपको काफ़ी ये कॉमन एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। अगला एग्जाम्पल होता है अपना इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो कीड़े मकोड़ों से अपना फूड लेते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट। आपको देखिए इस डायग्राम में पिचर प्लांट देखने को मिल रहा है। पिचर प्लांट की जो लीव्स हैं वो एक पिचर में मॉडिफाई हो जाती हैं। पिचर मतलब होता है मटका, है ना, थोड़ी मटकी जैसी शेप ले लेती हैं। अब उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड की तरफ ही इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होकर के उसके अंदर गिर जाते हैं। गिरने के बाद वो उससे बाहर नहीं आ पाते, अब वो धीरे धीरे उसके अंदर घुलते रहते हैं और प्लांट वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता रहता है और वो और इंसेक्ट वहाँ पर मर जाते हैं। अब है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल देखिए, ये रहा मशरूम, आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो सड़ी गली लकड़ियाँ हैं जंगलों में, ठीक है, ऐसी लकड़ियाँ जो सड़ गल गई हैं उनके ऊपर एक वाइट स्ट्रक्चर उगने लग जाती है, ठीक है, जिसको हम मशरूम बोलते हैं। वो क्या करती है, उनके ऊपर उगती है और अपने रूट्स में से एंजाइम्स को निकालती है, यानी कुछ लिक्विड पदार्थ निकालती है। वो लिक्विड क्या करता है, वहाँ से सारा का सारा न्यूट्रिशन ले लेता है और प्लांट को पहुँचाता रहता है और प्लांट अपना ग्रो करता रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए फंजाई ग्रोइंग ऑन ब्रेड। ब्रेड देखें, अब ब्रेड का एग्जांपल ले लीजिए या फिर रोटी वगैरह, उसको अब कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दें, उस पर उसके ऊपर आपको वाइट कुछ देखने लग जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फंगस। फंगस भी सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही सहारा लेते हैं अपना ग्रो करने के लिए। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं फंजाई आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं क्या है, अगला है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सॉरी, उससे पहले एक टॉपिक अपना रह गया, सिम्बायोसिस। देखिए सिम्बायोसिस में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म होती हैं, वो क्या करती है, दोनों एक साथ रहती हैं, एक दूसरे को फूड और शेल्टर दे रही होती हैं। ठीक है, जैसे कि सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ठीक है, ये क्या करती हैं, एक रहने की जगह देती है तो दूसरा फूड देती है, तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। यानी कुछ फंजाई प्लांट के अंदर रूट में रहती हैं तो प्लांट उनको शेल्टर वगैरह देता है, फूड देता है, और जो फंजाई वगैरह क्या करती हैं, अपने से जो वेस्ट बनाया है वो उनको दे देती हैं। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड फंगस लाइव टुगेदर। एक लाइकेन एक एग्जाम्पल होता है, लाइकेन का मतलब होता है
एल्गी प्लस फंगस, एल्गी प्लस फंगस जब एक साथ रहते हैं तो वो क्या होता है, लाइकेन कहलाता है। ठीक है, एक फूड देता है तो दूसरा रहने की जगह देता है, इस प्रकार से रहते हैं। अब अगला अपना आता है इसमें, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश इन द सॉइल। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि न्यूट्रिएंट्स अगर मिट्टी के अंदर से ख़त्म हो जाए तो वो कैसे वापस आते हैं, वो आते हैं हम खाद डाल देते हैं, मैन्योर वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, यूरिया डालते हैं ना, खेतों में उससे आ जाता है। और एक होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन के थ्रू भी आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं, पेड़ों की जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया बोलते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेकर के पेड़ों को पहुंचाता रहता है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है, आप इसको एक बार रीड करके देख लें। और इस तरह आपका ये चैप्टर हो चुका है। चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स क्या कह रहे हैं। तो पहला, वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, भाई जो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो फूड क्यों लेते हैं। सीधी सी बात है, अगर उनको ग्रो करना है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है तो उनको फूड चाहिए, ठीक है। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ, पैरासाइट क्या है, सेप्रोट्रॉफ क्या है। देखिए पैरासाइट तो वो हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, वहाँ से फूड लेते हैं। सेप्रोट्रॉफ भी दूसरी चीज़ों पर ग्रो करते हैं, लेकिन ये वो सड़ी गली चीज़ों पर ग्रो करते हैं, ठीक है। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार इन द लीव, ये एक एक्टिविटी है। आपको आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको एक आयोडीन टेस्ट की एक्टिविटी मिलेगी, जिसमें पत्तियों को एक कुछ को धूप में रखते हैं, कुछ को छाया में रखा जाता है, फिर उन पर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब एक गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ द फूड इन प्लांट, भाई फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। भाई आप कैसे बताएंगे, जो प्लांट्स हैं सनलाइट लेते हैं, CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं, उसके थ्रू अपना फूड बनाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसकी क्रिएशन दी हुई है आपकी बुक में, आप उसको पढ़ लें। शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, आपको कुछ नहीं, आपको उसमें अपनी ही जनरल पावर, लॉजिकल पावर का इस्तेमाल करके एक स्केच बनाना है, जिसे बताना है कि भैया प्लांट ही अपने को क्या देते हैं, फूड दे रहे हैं। पहले पे आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। द फूड सिंथेसाइज बाई प्लांट्स स्टोर एज स्टार्च एंड द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कौन सी गैस लेते हैं, CO2 एंड रिलीज O2 गैस। नेम द फॉलोइंग, अ पैरासाइटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर इन ब्रांचेस नेम कस्क्यूटा, अ प्लांट दैट इज पार्शली ऑटोट्रॉफिक, जो पार्शली ऑटोट्रॉफिक है, ये कस्क्यूटा भी पार्शली ऑटोट्रॉफिक होता है। एक मिसल्टो नाम का प्लांट है, वो भी एक पार्शली ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है। पार्शली ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है, थोड़ा बहुत खाना ही खुद भी बना सकता है। अब है द पोर्स विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, वो उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। अब आई टेक द करेक्ट आंसर, कस्कुटा इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ पैरासाइट सेप्रोट्रॉफ होस्ट, कस्कुटा किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट का एग्जाम्पल है। द प्लांट विच ट्रैप्स द ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इट इंसेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, चाइना प्लांट, सॉरी पिचर प्लांट बोलते हैं। मैथ द कॉलिंग आप अपने आप करेंगे और ट्रू फॉल्स भी आप अपने आप करके देखें, ठीक है। अब है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर ऑफ फोटोसिंथेसिस, भैया इसका आंसर है स्टोमेटा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, अब देखिए प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड किससे लेते हैं, रूट से, स्टेम से, फ्लावर से, लीव से, तो लीव से लेते हैं। अब वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड लार्ज इनसाइड ग्रीन हाउसेस, वाई आर द एडवांटेज ऑफ फार्मर्स, भाई फार्मर इतनी सारी फसलें क्यों बोते हैं, वेजिटेबल क्यों करते हैं और उनके क्या फ़ायदे होते हैं। सिंपल से एग्जांपल है, हर किसी को अपनी ग्रोथ चाहिए, ठीक है, उनको भी पैसा कमाना होता है, और जो फूड प्रोडक्शन वो करते हैं वो मार्केट में जाता है, उससे लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, आप कर सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है।